स्टेट। यस सेक्शन 40 ऑर्डर हो गया है, आप तो रिमूव हो गए हैं। अरे नहीं, सर्टिफिकेट जो इशू था हमारे वो नहीं हुआ और कंटिन्यू स्टे में थे हमारे मैडम, स्टे ऑर्डर की कॉपी लगा हम नोटिस मैडम, P9 कॉली मैडम, टोटल वायलेशन है मैडम। ठीक है, होगा देखेंगे फाइनल में। पढ़िए सेक्शन 40 में क्या लिखा हुआ है। मैडम रिमूवल ऑन बैन फॉर 6 इयर्स। सीज हो गया है आपका, तो उसके बाद फिर कैसे कंटिन्यू होगा। इफ द पर्सन इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑफ द सरपंच, ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ दैट ऑफिस एंड नो स्टे कैन बी ग्रांटेड टू सच ऑफिस बीरर। बताइए तो आइए डिसाइड कर दें तुरंत। इलेक्शन मालूट अगर स्टेटस को एटलीस्ट इलेक्शन में नॉट बी, कुछ भी नहीं करेंगे आप तो रिमूव हो गए, आपको तो कोई राइट ही नहीं है। स्टे ऑपरेटेड था मालूट हमारे फेवर में होगा, गलत तो स्टे मिला था आपको, क्लेरिफाई कर दें। और सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पिटीशन, कुछ भी नहीं होगा, नोटिस कर दिया मिस्टर रजा अली फॉर पिटीशन। सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ, कुछ भी नहीं करेंगे सर। मालूट वायलेशन तो है मालूट, देखेंगे फाइनल में देखेंगे मिस्टर, प्राइम ऑफ एसआई ही है मालूट, देखते हैं ना, देखेंगे फाइनल जवाब आने दीजिए मिस्टर मिंज दिलमन रति मिंज फॉर स्टेट। रेस्पॉन्ड नंबर 124 इशू नोटिस टू द रेस्पॉन्ड नंबर 528 ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ बाय ऑर्डिनरी एज वेल एज रजिस्टर्ड मोड नोटिस ऑन आईए नंबर 1 आल्सो कॉल दिस मैटर इमीडिएटली आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस। यस नेक्स्ट मालूम सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पिटीशन एट लीस्ट, नहीं करें सर ये केसेस ऐसे नहीं है मालूम, मेरा आईए मालूम, देयर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट सर, नो मालूम दैट हैज नॉट बीन प्रूव्ड मालूम, आई विल एग्जामिन दिस फाइल मालूम, इंट्री में मालूम सुन ले मालूम, एटलीस्ट मालूम इंट्री में मालूम सुन ले, हां तुरंत तुरंत विदाउट एनी डिले। यस मालूम जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंने लगाया मालूम उसमें मालूम पेज नंबर 20 बस देख लीजिए। आप मेरिट में बात कर रहे हैं ना मालूम, मेरिट में, मेरिट पे तो एप्लीकेशन आपका चले गई नहीं। सेक्शन 40 पढ़ लीजिए, ऑफिस बीरर अगर सीज कर लिया एक बार रिमूव हो गया उसको तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, उत्तर का जवाब आप दे दीजिए कैसे करेंगे। लीगल पोजीशन पे बताइए आप, मेरिट पे तो हम जाएंगे ही नहीं। मालूम माय प्रेयर इज फॉर द सब्जेक्ट टू द आउटकम, नहीं नहीं करेंगे सॉरी, पेज नंबर 20 एटलीस्ट मालूट देख लीजिए, क्या 20 में क्या लिखा है मालूट, पेज नंबर 20 मालूट इन्होंने तर्क सुनकर वो रिकॉर्ड कर लिया मालूट, तो दिसंबर 2022 में सुनेंगे ना, फाइनल हो गया वो तो, मेरिट की बात आ गई मालूट, उसके बाद इंट्री में तो आप लीगल जो लीगल उसके रिक्वायरमेंट है उसको कन्विंस करिए आप कोर्ट को कि अगर सरपंच को या किसी ऑफिस बीरर को हटा दिए हैं और उसके हटाने के बाद फिर से वो ज्वाइन कर लेगा। दैट इज व्हाई मैरिट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पिटीशन नहीं करेंगे, सॉरी नहीं करेंगे, एटलीस्ट दैट दैट मस्ट गॉट ऑन आईए नंबर 1 एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम लीव गवर्नमेंट काउंसिल फॉर द पिटीशनर विल सबमिट दैट पेज नंबर 23 विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40 द पिटीशनर वाज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज फ्रॉम ऑफिस ऑफ सरपंच ही वुड फर्दर आर्ग्यू दैट। क्या है पेज नंबर 20 में 23 मारोट, इसमें 3/2/2023 की ऑर्डर शीट है मारोट, इसमें अवलोकन करके आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया मारोट 3 फरवरी 2023 के, और उसके बाद मारोट 28/2 की इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है बिना ऑर्डर शीट के और 1/3 के ऑर्डर पास हो गया। सबमिट दैट ऑन 3rd of February 2023 केस वाज क्लोज्ड फॉर ऑर्डर एंड देयर आफ्टर एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड एंड ऑन एंड इन द परसुएंस ऑफ दैट इंक्वायरी रिपोर्ट कम द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिमूवल वाज पास्ड। I've heard. Inquiry conducted on 1/3/23 के मान। 1/3/23. I've heard. The provision of the section 40 says deals with removal of office bearer. Stop. It clearly says that after removal of office bearer, he ceases to be a member of the panchayat. Stop. As the PT order of the removal was already passed by the sub divisional officer. He cannot be permitted to join the office again. Consequently, IA number 1 is rejected. Next. One submission is why not continuous stay is operated in favor of. There was continuous stay granted by the commissioner and collector. And collector and commissioner, yes. Not any big comment. Sorry, Apni, thank you.